नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। मसूरी की पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 144 करोड़ की यमुना पेयजल योजना का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। 1 मार्च 2020 को मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा शिलान्यास किया गया था। पेयजल योजना पूरी होने के बाद मसूरी में आगामी 40 सालों तक पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। योजना के तहत यमुना नदी से 4 स्टेज में पंपिंग की जाएगी और 100 किलोमीटर पेयजल लाइन का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही साथ योजना वर्ष 2022 तक तैयार हो जाएगी। और वहीं उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई और नए कृषि कानूनों के विरोध में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी के तहत कांग्रेस प्रदेश भर में पदयात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि प्रदेश भर के सभी जनपदों में महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस पदयात्राएं निकालेगी। इसके बाद 22 फरवरी को ब्लॉक मुख्यालयों पर इन्हीं मुद्दों पर प्रदर्शन और पदयात्राएं होंगी। इस दौरान उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर उनकी बातें नहीं मानती है तो आने वाले समय में कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। सारी तरफ से लूट ही लूट है। इस लूट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और पूरी ताकत के साथ हम लोग इस महंगाई के मुद्दे को एक एक आदमी तक ले जाएंगे। आदमी तक पहुंचा हुआ केवल ये बताना है कि किस प्रकार से सरकार लूट रही है। आम आदमी त्रस्त है, हर रसोई त्रस्त है, हर महिला घर गृहिणी त्रस्त है, लेकिन अब हम जाकर के बताएंगे कि जिस जमाने में कांग्रेस में 2 रुपया बढ़ता था किसी चीज़ में तो किस प्रकार से तमाशा करते थे। आज ये रातों रात 2 महीने में 190 रुपये रसोई गैस में बढ़ा देते हैं, कोई उफ भी नहीं करता। हल्द्वानी में देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की है। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस के लोगों ने पटेल चौक स्वराज आश्रम के बाहर से भाजपा के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन की। वहीं कांग्रेसियों वरिष्ठ नेता सुमित देश ने कहा कि जिस प्रकार से डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है वो बेहद गलत है, जिसका कांग्रेस पूरी तरीके से विरोध कर रही है और आने वाले समय में अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। और वहीं तपोवन त्रासदी का 14वां दिन है। एनटीपीसी द्वारा तपोवन आपदा प्रभावित लोगों के लिए राशन वितरण और मेडिकल कैंप लगाकर काम कर रही है। राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है। तपोवन आपदा के भयावह मंजर के बाद चमोली जिले से कट सा गया था। वहां के लोगों के लिए स्थिति काफी डामाडोल बनी हुई थी क्योंकि कोई भी व्यवस्था उन तक नहीं पहुंचाई जा रही थी। फिलहाल सरकार द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है और साथ ही साथ डॉक्टर को भी गांव भेजा जा रहा है, जिसके चलते वहां पर डॉक्टर जा रहे हैं और इलाज भी कर रहे हैं। देश भर में बढ़ते महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार तत्काल नए कृषि कानूनों को वापस ले और महंगाई पर रोक लगाए। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के किसानों ने कृषि मंडी में आगामी 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में होने वाले किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा जगह जगह किसान महापंचायत भी कर रही है। वहीं 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत का निर्णय ले चुके हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ 2021 का धार्मिक दृष्टि से आगाज हो चुका है। अखाड़ों में लगने वाली धर्म ध्वजा अखाड़ों में पहुंच चुकी है, जिसके बाद अखाड़ों के कुंभ से संबंधित सभी मंगल कार्य भी शुरू होते हुए दिख रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के साथ साथ आनंद और अटल अखाड़े की धर्म ध्वजा भी अखाड़े में पहुंच चुकी है। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है, इसलिए कुंभ मेला प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी मेले की व्यवस्थाएं और आने वाले गंगा स्नानों के लिए व्यवस्थाएं में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा घाटों का निरीक्षण किया है और कई व्यवस्थाओं को जायजा लिया है। हरिद्वार में कोरोनिल और भारत सरकार की कोवैक्सीन के विषय में बात करते हुए पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए दवाई भी जरूरी है, जिसका काम कोरोनिल कर रही है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ये पूरी तरह से देखिए, जो वैक्सीन है वो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन का भी अभी
कितने लंबे समय तक के लिए बचाव होगा ये अभी भविष्य के गर्त में है। तो वैक्सीनेशन की आवश्यकता अपनी जगह पर है, पर वैक्सीनेशन के साथ में ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कोरोनिल वह प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है, और आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़ और आयुर्वेद को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए, स्थापित करने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर भी ये करेगा। लोगों के जीवन को बचाने में भी अभी तक कोरोनिल ने लाखों लाखों परिवारों के जीवनों की रक्षा की है, और आगे भी और भी जो लोगों के जो शंका के बादल थे उनको हमने पूरी तरह से निर्मूल कर दिया है, और भी अच्छी तरह से कोरोनिल लोगों की सेवा के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए काम करेगा। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला आयोग के तत्वावधान से हल्द्वानी ब्लॉक सभागार में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। महिला आयोग के अध्यक्ष विजय ने शिविर में आई हुई महिलाओं को शपथ भी दिलाई है। उन्होंने कहा है कि समाज में महिलाओं को बिल्कुल भी भेदभाव का शिकार नहीं होना है, और साथ ही साथ घर के आसपास में हो रही किसी भी तरीके की उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठानी है। और वहीं लालकुआ के बिंदुखत्ता में आज श्रम विभाग ने शिविर का आयोजन किया है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सहित श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। इस दौरान सहायक श्रम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया है। जो हमारी भारत सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, उसके जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर हमने यहाँ पर आज आयोजित किया है। इसके तहत जितने भी असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हैं, यानी जिनका पीएफ नहीं कटता है और जिनकी आय 15,000 रुपये मासिक से कम है, वो लोग इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के लोग इसमें पंजीकृत हो सकते हैं, और एक निश्चित अंशदान उनको 60 साल की आयु तक देना होता है। जैसे 18 साल की आयु में अगर कोई इस योजना में प्रवेश करता है तो 55 रुपये प्रतिमाह, और इस तरह बढ़ते बढ़ते 40 साल की आयु में अगर कोई प्रवेश करता है तो 200 रुपये प्रतिमाह उसको अपना अंशदान देना होता है। इतना ही अंशदान भारत सरकार की तरफ से इसमें दिया जाता है, और इसके बाद जैसे ही 60 वर्ष उस श्रमिक को पूरे होते हैं तो उसको 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन जो है वो प्रदान की जाती है, यानी 36,000 रुपये वार्षिक साल भर में पेंशन का लाभ उसको प्रदान किया जाता है। इसके बाद जितनी भी उसकी आयु रहती है तब तक उसे ये लाभ प्रदान किए जाने की गारंटी योजना हमें देती है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।